जब शाहरुख खान ने नेशनल टीवी पर प्रियंका से कहा मुझसे शादी करोगी, ऐसा था अभिनेत्री का रिएक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल साउथ जगत पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बॉलीवुड और शाहरुख खान से जुड़ी हर खबरें हम आपको यहां बता सकें। तो चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में। हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकार प्रियंका चोपड़ा अपना 41वां जन्मदिन मना रही है। वह दुनिया की सफल अभिनेत्रियों में से एक है। ब्यूटी पेंजेंट विनर बनने से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री आज हॉलीवुड तट में अपना परचम लहरा रही है। वह सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बात करने से नहीं कतराती है। प्रियंका की दोस्ती भी बॉलीवुड में कई बड़े कलाकारों के साथ है। शाहरुख खान के साथ भी प्रियंका की अच्छी दोस्ती रही है। शाहरुख और प्रियंका ने फिल्म में एक साथ काम भी किया है। एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख खान का नाम प्रियंका के साथ जुड़ने लगा था। अब शाहरुख खान के अगर चाम का देवता कहे तो यह गलत नहीं होगा। वह जब भी बाहें फैलाकर नजर झुकाकर हीरोइन की तरफ देखते हैं तो जाहिर है कि हर कोई उन पर फिदा हो जाता है। उनके साथ इंडस्ट्री की हर लड़की काम करने और पर्दे पर रोमांस करने की इच्छा रखती है। प्रियंका चोपड़ा ने भी शाहरुख खान का साथ बिल्लू और डॉन में काम किया है। इस फिल्म के बाद शाहरुख खान के साथ प्रियंका का नाम जोड़ा गया। कई मौके पर दोनों को साथ देखा गया तो अफवाहों को और हवा मिली। इसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा के लिए एक गाना गाते दिखे थे। उस गाने में वे अंग्रेजी में कहते थे मैरी मी मैरी मी। इसके बाद प्रियंका हैरानी से उन्हें देखती और हंसती दिखी थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया था। इसके बाद शाहरुख खान और प्रियंका के रिलेशनशिप के रूमर्स को लेकर एक सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही थी। खबरों के अनुसार शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की नजदीकी की खबर से शाहरुख खान का घर टूटने की कगार पर आ गया था। इसके बाद एंट्री हुई शाहरुख खान के बेस्टी करण जौहर की और उन्होंने गौरी को संभाला था। हालांकि खबर तो यह भी रही थी कि करण जौहर की वजह से प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड निकाल हो गया था। इस वजह से उन्होंने हॉलीवुड ज्वाइन करना पड़ा। वैसे दोस्तों बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की वेब सीरीज सिटाडेल हाल ही में रिलीज हुई थी। सीरीज में वह एक्शन करती दिखी थी। वही बात करें किंग खान की तो किंग खान जल्द ही अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान में नजर आने वाले हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताएं।